फिर ओजाबाद पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुआ झगड़ा, एक पक्ष के एक व्यक्ति की लगी गोली, उसके परिवार के भाई को भी लगे छर्रे। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है उपचार। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के अदमपुर गांव का मामला देखिए। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए, आज रात्रि 10 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति भानु प्रताप हैं, जो आदमपुर के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली लगने की सूचना है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल व्यक्ति को तत्काल जो है अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे जो है आगरा रेफर कर दिया गया है। और पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि उसी के गाँव के रहने वाले 3 लोगों ने जो है उस पर फायर किया, जिसमें उसको ये गोली लगी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनमें से एक व्यक्ति ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो है घायल व्यक्ति ने अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर प्राप्त किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसी के अनुसार जो है आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। जो भी तथ्य सही होंगे उसको प्रकाश में लाकर इस मामले का जो है निस्तारण किया जाएगा। नाम है तुम्हारा? मेरा जगमोहन यादव, प्रधान हूँ मैं। अच्छा, क्या प्रधान हूँ अभी? अच्छा, क्या हुआ था? अरे, मेरी ऐसे रंजिश चल रही थी, तो कुछ लोग करीब 40-45 अपने लाइसेंस ही बंदूकें ले गए और मेरे गांव में आए, गाली गलौज करने लगे। जब हम तो कोई लोग घर पे नहीं थे, जब हम ये मेरे दादू लड़के हैं, वो दूर डाल के आए थे, लेकिन तब तक उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की, मेरे हाथ में गोली लगी और मेरे छोटे भाई के पेट में गोली लगी है। कौन से गाँव की बात है? आदमपुर। किस बात की रंजिश थी? वैसे ही रंजिश चल रही थी, हमारे स्कूल से रंजिश चल रही है उनसे। कौन लोग थे, किसने? एक है रवि यादव प्रधान गोविंदपुर, एक है बॉबी बघेल सुखावान, एक भूपेंद्र यादव सुखावान और एक का सौरभ राम हंस आदमपुर। ये सब लोग एक राय होकर करीब 40-50 लोग थे, उन्होंने मेरे साथ और मेरे भाई के साथ ये चीज की।